हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम बड़सिविल पे। मैं प्रेम कुमार। देखिए, यहाँ पे 67वां बीपीएससी मेंस का रिजल्ट का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये एक टेलीग्राम पे आप लोग देख रहे होंगे उनका फोटो, और उनके साथ ये वायरल हो रहा है कि 67 सीसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टुमारो लेट इवनिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल मेन अपेयर कैंडिडेट। ये जो भी हो, फेक हो या जो भी हो, लेकिन ये क्या कोर्ट स्टेटस है, इसको हम लोग देखने वाले हैं ये इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अपने सेकेंडरी चैनल पर डाल चुके हैं, बट यहाँ पे ये बड़ा अपडेट है, इसलिए यहाँ पे भी जो सब्सक्राइबर है उनके लिए है, अगर वहाँ पे देख लेते हैं स्किप कर सकते हैं। देखिए, केस नंबर जो है ये 111/2023, ये 12 जनवरी को फाइल हुआ था, और देख सकते हैं ये एलपीए टाइप का केस है, लेटर पेटेंट अपील सिविल केस है। अब इसमें देखिएगा तो ईस्ट चंपारण से हर्षित रंजन जो केस किए थे, क्वेश्चन आंसर में जो मिस्टेक था आंसर में उसके लिए, तो अब जजमेंट जो है रिजर्व रखा गया था 5 तारीख को, और हर पल का हम लोग अपडेट किए हैं। और ये इसमें दो बेंच के जज हैं, आपको चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और आपको ऑनरेबल पार्षार्थी जी भी हैं। और देखिए, इस बार जो ये मतलब कि 5 तारीख पर ये कोई अपडेट ही नहीं मिला था, तो ये कल के डेट में 13 तारीख को, ये सितंबर को, इसको 4 नंबर पे सीरियल पर रखा गया, 10:30 बजे सुनवाई है। देख सकते हैं, अगर लिस्टिंग पोजिशन देखा जाए तो चीफ जस्टिस ये जजमेंट देंगे 13 तारीख को। क्या जजमेंट आएगा, अब सपोर्ट में आएगा, अगेंस्ट में आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे ये अपडेट है कि मतलब जल्दी ही आपका जो बादल छाया हुआ था, अंधेरा, उसका खत्म होगा। कोर्ट नंबर 1 में ये सुनवाई है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये अगर देखिएगा चीफ जस्टिस ये पार्षार्थी सर का, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा 111/2023, ये 10:30 बजे। ठीक है, तो जजमेंट देखिए, ये केस था 8, ये जैसे 111 है ना, एलपीए 8 और 2022 ईयर का था, उसका 31 अगस्त को इसी तरह का जजमेंट रिजर्व था, और 8 तारीख को उसका ये दे दिया गया था फाइनल, उसको केस को डिसमिस किया गया था, टैक्स ऑफ से रिलेटेड था। तो ये 8 दिन लगा, तो इस बार हम लोग का 5 को ये हुआ था जजमेंट रिजर्व, 8 दिन बाद ये भी आ रहा है, तो सेम पैटर्न है। और देख सकते हैं, ये पिछले बार भी 66 बीपीएससी का बुधवार को और अप्रैल को 13 तारीख को आया था, तो इस बार भी 13 सितंबर है। ये सभी टेलीग्राम पे बहुत सारा चल रहा है, तो हम लोग आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपडेट कर दिए। टेलीग्राम पे इंटरव्यू का ग्रुप बना हुआ है, अगर कोई अपना मतलब कि ये हो कि हो जाएगा मेरा, तो उसमें जुड़िएगा आप लोग, हम लोग वहाँ पे भी अपडेट देते रहते हैं। और आप देखिए, यहाँ पे ये पेपर में न्यूज़ कटिंग निकल कर आया था, नवभारत और दैनिक जागरण में, कि ये जो है आखिरी सप्ताह तक जारी होगा, लेकिन ये बात गलत है। अब देखिए, कल मैंने बोला था आपने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया है ISPCS पॉसिबली चैनल पे, अगर वहाँ पे नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ISPCS PUSSIBLY। ठीक है, पॉसिबल से पॉसिबली, तो हम लोग पॉसिबल बना रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी को। तो देखिए, ये इस चैनल पर हमने इंटरव्यू का सभी चीज़ डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। तो ये मैंने बोला था कि ये जब भी जजमेंट आएगा उस समय रिजल्ट आ सकता है, तो देखिए कल का ज़्यादा चांस है आने का। अब देखिए किसके पक्ष में आएगा, मैक्सिमम चांस है हम लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि इस तरह का पहले भी केस हो चुका है, और बीपीएससी का जो उस दिन का सुनवाई था वो बताया जा रहा था कि ज़्यादा मतलब कि कन्विंसिंग लगा था, और जल्दी ही सुनवाई वो आपको 8 तारीख वाला हो गया, क्योंकि इसके पिछले बार जो आपको सॉरी 5 को हो गया था, 29 को जो मतलब जो लोग केस किए थे स्टूडेंट लोग, उनका चुना गया था, तो ज़्यादा देर सुना गया था। तो अब देखिए, कल पे ही डिपेंड करता है, मैक्सिमम हम लोग अपडेट करते रहेंगे, तो अपने चैनल से जुड़े रहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन, कोई ये आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, और रिजल्ट आता है तो आप लोग इंटरव्यू का तैयारी ऑलरेडी कर ही रहेंगे और कर सकते हैं। और हम लोग स्पीडी और एजुटेरिया का करंट अफेयर ला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और कल का उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, होपिंग फॉर कल रिजल्ट आ जाए, और आप लोग 69 और इसमें डायलेमा में फंसे हुए थे, तो अपना तैयारी करिए। इंटरव्यू का डेट मैक्सिमम चांस है कि आपको प्री के बाद ही हो, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये तो आज 13 तारीख को जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2-4 दिन बाद चालू करेंगे, 7 दिन तो देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 20 से चालू करते हैं तो 30 सितंबर को तो आपको ये भी है, क्या नाम है, 69 PPT, तो मान लीजिए 3-4 दिन पहले तो वो रुकना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए 5 दिन के लिए थोड़े ना चलाएंगे। अब मैक्सिमम चांस है कि आपका ये बाद में होगा, तो यही अपडेट है, जुड़ते मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।